की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। शहर औरंगाबाद में 72 दिन बाद रौनक लौटी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें आज खुली। एक दिन एक रुख की और दूसरे दिन दूसरे रुख की दुकानों की शर्त पर ये दुकानें खुली। शहर का हमने दौरा किया कैमरे के साथ और शहर के उन इलाकों को अपने कैमरे में समेटने की कोशिश की जो इलाके आज खुले हुए थे। हालांकि लोग कम नज़र आए लेकिन रौनक बहरहाल शहर की लौट आई ऐसा लगा। खुसूसन चौक, कुलमंडी, पैठन गेट इलाके जो एकदम सूने पड़े हुए थे 72 दिनों से और वो आज अचानक खुले तो रौनक तो आना ही थी। देखिए शहर के पैठन गेट, चौक, गुलमंडी इलाकों का मंज़र, यहाँ की दुकानों के दुकानें खुलने का मंज़र और चंद एक दुकानदारों से और व्यापारी महासंघ यानि उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बातचीत हमने की, ये तमाम आपको दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है, हमारे पब्लिक भी आ रही है, ग्राहक भी आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। सोशल डिस्टेंस भी चालू है, सोशल डिस्टेंस लगा के सब आ रहे हैं ग्राहक। अच्छा, एक दिन बंद एक दिन चालू रहेगा? तो एक दिन चालू है। एक दिन आपका आज खुला है, कल मतलब बंद रहेगा? हमारा इवन डेज में हमारा है। दुकान में जब कस्टमर आ रहा है, केंद्र शासन राज्य शासन दोनों ने मिलकर व्यापारों के लिए सचमुच अच्छे से एक पैकेज गठित करके दे देना चाहिए। धीरे धीरे दो, आगे चल के दो, लेकिन उसका ऐलान जल्दी से करना चाहिए क्योंकि व्यापारी हमारे बहुत परेशान हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से मार्केट बंद था, सरकार ने कहा पगार देना चाहिए, हमने पगार ही दी। हमारे सब टैक्स, इंश्योरेंस, जो कुछ खर्चे हैं वो जारी रहे, खुद हमारा व्यापार नहीं हुआ। बैंक का हमारा जो ब्याज का मीटर है वो तो चालू है, वो कोई बंद नहीं हुआ। उस तरह व्यापारियों को सब तरफ से
अड़चने हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि निश्चित तौर से हमारा ख्याल रखेगी और हमें कुछ ना कुछ पैकेज देगी।